भारत माता की, भारत माता की। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे परिवारजन, आज वो शुभ घड़ी है जब हम देश के लिए मर मिटने वाले, देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले, आजीवन संघर्ष करने वाले, फांसी के तख्त पर चढ़कर के भारत मां की जय के नारे लगाने वाले अनगिनत आजादी के दीवानों को नमन करने का ये पर्व है, उनका पुण्य स्मरण करने का पर्व है। आजादी के दीवानों ने आज हमें आजादी के इस पर्व में स्वतंत्रता की सांस लेने के लिए सौभाग्य दिया है। यह देश उनका ऋणी है। ऐसे हर महापुरुष के प्रति हम अपना श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जो महानुभाव राष्ट्र रक्षा के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी लगन से, पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा भी कर रहे हैं, देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं, चाहे वो हमारा किसान हो, हमारा जवान हो, हमारे नौजवानों का हौसला हो, हमारी माताओं बहनों का योगदान हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, अभावों के बीच भी स्वतंत्रता के प्रति उसकी निष्ठा, लोकतंत्र के प्रति उसकी श्रद्धा, ये पूरे विश्व के लिए एक प्रेरक घटना है। मैं आज ऐसे सभी को आदरपूर्वक नमन करता हूं। प्यारे देशवासियों, इस वर्ष और पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदा के कारण हम सबकी चिंता बढ़ती चली जा रही है। प्राकृतिक आपदा में अनेक लोगों ने अपने परिवारजन खोए हैं, संपत्ति खोई है, राष्ट्र ने भी पारावार नुकसान भोगा है। मैं आज उन सब के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि यह देश इस संकट की घड़ी में उन सब के साथ खड़ा है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम जरा आजादी के पहले के वो दिन याद करें। सैकड़ों साल की गुलामी, हर कालखंड संघर्ष का रहा, युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, महिला हो, आदिवासी हो, उन्होंने गुलामी के खिलाफ जंग लड़ते रहे, अविरत जंग लड़ते रहे। इतिहास गवाह है कि 1857 के स्वातंत्र संग्राम, जिसको हम याद करते हैं, उसके पूर्व भी हमारे देश के कई आदिवासी क्षेत्र थे जहां आजादी का जंग लड़ा जाता था। साथियों,
गुलामी का इतना लंबा कालखंड, जुल्मी शासक, अपरंपार यातनाएं, सामान्य से सामान्य मानवियों का विश्वास तोड़ने की हर तरकीब है, उसके बावजूद भी उस समय की जनसंख्या के हिसाब से करीब 40 करोड़ देशवासी आजादी के पूर्व 40 करोड़ देशवासियों ने वो जज्बा दिखाया, वो सामर्थ्य दिखाया, वो एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चलते रहे, जूझते रहे, एक ही स्वर था वंदे मातरम, एक ही सपना था भारत की आजादी का। 40 करोड़ देशवासियों ने, और हमें गर्व है कि हमारी रगों में उन्हीं का खून है।